हेलो नमस्कार, प्रेमवाल चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, ठीक है। अतिथि शिक्षकों ने कसम खाई थी कि जब तक इनका नियमितीकरण नहीं होगा तब तक ये भोपाल से नहीं जाएंगे, ठीक है, निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। भूपेंद्र सविता जी ने क्या कहा है पूरी विस्तार से मैं जानकारी दूंगा और एक वीडियो भी आपको दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी अपडेट पाने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष जी का नंबर दिया, सुनील सिंह परहाल जी का, केसी पवार जी का, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से कहना था कि भैया हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी आपके यहाँ पहुंचेंगे। मैंने स्पष्ट कहा था कि 15 महीने सरकार रही थी, 3 महीने मैंने याद करने के लिए बोला था, लेकिन कुछ नहीं किया। हम अभी आपका साथ देने को तैयार नहीं है। बोले नहीं, वो सुंदर अपने सरकार गिरा दी थी। हमने कहा भैया आपने 3 महीने के लिए बोला था, अरे 15 महीने आप रहे, जाते जाते पद स्थायी तो कर जाते, तो आज अतिथि शिक्षक आपकी जय जयकार तो करता। लेकिन अब अतिथि शिक्षक के निकास में आने वाला नहीं है। हमने कहा आप हमारा साथ चाहते हैं, आ चुके हैं भैया, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे कैबिनेट में स्पष्ट रूप से करिए कि अतिथि शिक्षकों को पहली कैबिनेट में नियमित किया जाएगा, तब अतिथि शिक्षक आपके बारे में प्रचार करेगा। साथियों याद लेकर आग जलनी चाहिए, हो सही भी याद लेकर आग जलनी चाहिए, ठीक है। छोड़ से हमारे जिला शिवपुरी से अतिथि शिक्षक साथी आए हैं, भैया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। साथ आए लेकिन मातृशक्ति के लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब मातृशक्ति यहाँ पर आ गई है तो हम विजय प्राप्त करके ही यहाँ से जाएंगे। नारी दुर्गा, नारी धरती, नारी अंबर, नारी पर्वत, नारी पानी, नारी ही अवतार है और नारी ही के द्वारा होता विश्व का कल्याण है। जो जानकारी के साथ नारी शक्ति का स्वागत करे, मुझे अपनी बात पूरी रखने में बहुत संघर्ष करते हैं हम लोग, दूर से आते हैं। जिंदाबाद, जिंदा। साथियों मैं